दोस्तों, अगर आप भी नंदा गौरा योजना के लाभार्थी हैं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर समय समय पे नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं। तो इसी योजना से रिलेटेड दोस्तों 3 नए अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, जिनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप इस वेबसाइट के अंतर्गत, जिसका की लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, अपना आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉग इन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 3 नए अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो पहला अपडेट है, 12th पास जितनी भी बालिकाएं हैं जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया है और जिन्होंने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर लिया है लेकिन अपना राशन कार्ड अपलोड नहीं किया है, तो ऐसे एप्लीकेंट को दोस्तों यहाँ पे फिर से लॉग इन करके अपना राशन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर आपने भी यहाँ पे आवेदन किया है लेकिन अपना राशन कार्ड आप यहाँ पे अपलोड करना भूल गए हैं या फिर आपका राशन कार्ड यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाया, तो आपको फिर से लॉग इन करके अपना राशन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेना है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे सेकेंड अपडेट को लेकर, जो कि करेक्शन को लेकर आया है। अगर आपने अपना पंजीकरण किसी गलत ब्लॉक या फिर परियोजना में कर लिया है तो आप यहाँ पे उसे अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे, अगर आप अपने परियोजना या फिर ब्लॉक को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चेंज पासवर्ड एंड ब्लॉक का। आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने ब्लॉक को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आप तभी अपने ब्लॉक को चेंज कर पाएंगे अगर आपने यहाँ पे खाली अभी तक रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण किया है और अभी तक आपने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है, तब आप अपना ब्लॉक यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है, अगर आप अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर चुके हैं आप अपना ब्लॉक यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने केवल अभी तक पंजीकरण किया है और अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं किया या फिर अपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप अपना ब्लॉक यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे अपडेट को लेकर, जो भी करेक्शन को लेकर है। अगर आपने अपना फॉर्म कुछ स्टेप फिल करके छोड़ दिया या फिर आप अपने पहले स्टेप, सेकेंड स्टेप या फिर तीसरे स्टेप की डिटेल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे तीसरे अपडेट में बताया गया है आप इन स्टेप की डिटेल को चेंज कर पाएंगे। इसके लिए आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फॉर्म स्टेटस, इस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली इस अपडेट को जारी किया गया है, लेकिन कुछ टाइम में आपके यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने पहले स्टेप, सेकेंड स्टेप या फिर किसी भी स्टेप की डिटेल को चेंज कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नंदा गौरा योजना से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद में आपको 100% सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ।